कक्षा 12 में हम मांग की अवधारणा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मांग का अर्थ क्या है। बाजार में हम जनरली जाते हैं और किसी चीज को खरीदने की इच्छा बताते हैं, वो हमारी मांग नहीं होती। इकोनॉमिक्स में मांग के लिए तीन तत्वों का होना हम जरूरी मानते हैं, निश्चित समय अवधि, निश्चित कीमत स्तर और निर्धारित मांग मात्राएं। किसी निश्चित समय अवधि में हम निश्चित कीमत स्तर पर किसी वस्तु की जितनी खरीदने की इकाइयां व्यक्त करते हैं वो मांग कहलाती है। तो मांग के लिए तीन बातों का होना जरूरी है, निश्चित समय अवधि, निश्चित कीमत स्तर और निर्धारित मांग मात्राएं। ये जो भी कीमत स्तर होता है वो संभावित होना चाहिए, संभाव्य कीमत स्तरों पर। न तो किसी वस्तु की बहुत अधिक कीमत होनी चाहिए न बहुत कम होनी चाहिए, मतलब उसकी संभाव्य कीमत स्तर क्या हो सकती है वही कीमत स्तर होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ कि सोमवार के दिन बाजार में 50 रुपये कीमत स्तर पर चीनी की 100 किलो मांग थी, तो ये मांग का वास्तविक अर्थ होगा। इसी अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मांग को प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को यदि अपन फलन के आधार पर देखें तो हम कह सकते हैं डीएक्स किस पर डिपेंड करेगी, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, डब्ल्यू, टी, वाई, पी। कीमत से तो मांग प्रभावित होती है। डीएक्स का मतलब है एक्स वस्तु की मांग मात्रा, मतलब कोई वस्तु जो हम बाजार में मांग के लिए प्रकट कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड है। पीएक्स मतलब उस एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, जो वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं उस वस्तु की कीमत स्तर क्या है। यदि वो कीमत ज्यादा होगी तो मांग कम होगी और अगर वो कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा होगी। मतलब जनरली जिस वस्तु की हम मांग करते हैं और उसकी कीमत स्तर में उल्टा संबंध होता है, कीमत कम होने पर मांग ज्यादा होगी और कीमत ज्यादा होने पर मांग कम होगी। सेकेंड जो तत्व मांग को प्रभावित करेगा वो है पी वाई। पी वाई का मतलब है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत। प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं आपको नहीं आ रहा होगा, प्रतिस्थापन वस्तु वो वस्तु होती है जिसका हम एक के बदले दूसरे को प्रयोग में ले सकते हैं, जैसे चाय और कॉफी, गुड़ और शक्कर, या बाजार में हम देखते हैं नहाने के साबुन की विभिन्न वेराइटियां मिलती है, सर्फ की विभिन्न वेराइटियां मिलती है, ये सब एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत यदि कम हुई तो लोग प्रतिस्थापन वस्तु की मांग ज्यादा करेंगे, और यदि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत कम हुई तो लोग मुख्य वस्तु की मांग ज्यादा कर लेंगे। कैसे, इसको भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे चाय और कॉफी एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तु है। यदि चाय हमारी मुख्य वस्तु है मांग के लिए, उसकी कीमत ज्यादा है चाय की तो हम कॉफी खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, और यदि चाय की कीमत कम है तो हम चाय की मांग ही अधिक करेंगे। फिर है नेक्स्ट तत्व पी जेड, पूरक वस्तुओं की कीमतें क्या है। पूरक वस्तुएं वे हैं जो एक के बदले हम दूसरे का प्रयोग नहीं कर पाते, जैसे पेन के साथ स्याही। अगर अपने पास पेन है और उसमें स्याही नहीं है तो हम पेन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कार और पेट्रोल, कार है आपके पास पेट्रोल नहीं है तो कार का कोई उपयोग नहीं होगा। तो इन इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको भी हमारी मांग मात्राएं प्रभावित करेंगी। फिर है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब है वेदर, मौसम। जिस चीज का मौसम होता है उसकी मांग अधिक होगी और जिस चीज का मौसम है ही नहीं उसकी मांग कम होगी। उदाहरण के लिए सर्दी में उन्हीं वस्त्रों की मांग अधिक होती है लेकिन गर्मी में इन्हीं वस्तुओं की मांग घट जाती है। उसके बाद देखिए टी, टी का मतलब टेस्ट। उपभोक्ता की रुचि किसमें है, वो क्या चीज पसंद करता है। जिस चीज में उपभोक्ता की रुचि पसंद अधिक होती है उसकी मांग अधिक, और जिस चीज में उपभोक्ता की रुचि और पसंद नहीं है उसकी मांग कम होगी। फिर बाय, इसके लिए हम दूसरा शब्द आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो उपभोक्ता की इनकम को बताएगा। जनरल इकोनॉमिक्स में आय स्तर दर्शाने के लिए हम वाई का प्रयोग करते हैं। आय अधिक होने पर मांग अधिक होगी और आय कम होने पर मांग कम होगी। पी, किसी देश की पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या अधिक है तो मांग अधिक और जनसंख्या कम है तो मांग कम होगी। इस प्रकार हम मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को सारांश रूप में देखें तो उसके लिए हम ये समीकरण लिख सकते हैं जिसके मीन्स नीचे दिए हुए। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक मांग का नियम क्या है। हमारे इकोनॉमिक्स के जितने नियम है वो अन्य बातें समान रहने की मान्यता से जुड़े हुए हैं। कोई भी नियम लिखने से पहले हमें वर्ड लिखना होता है अन्य बातें समान रहे तो। अब वे अन्य बातें कौन कौन सी है वो मांग के नियम की मान्यताओं के साथ अपन देखेंगे। पहले मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत अधिक होने पर मांग कम
और किसी वस्तु की कीमत कम होने पर मांग अधिक होती है। इसको अपन एक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि तालिका बताई गई है, एक तरफ कीमत स्तर है, दूसरी तरफ मांग मात्राएं लिखी हुई है। कीमत स्तर 1, 2, 3, 4, 5 रुपए प्रति इकाई, मांग मात्राएं दे रखी है 500, 400, 300, 200, 100। इस तालिका को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी मांग कम होती जा रही है। और नीचे से देखें और ऊपर की ओर आए यानी 5, 4, 3, 2, 1 तो हमारी मांग मात्राएं बढ़ती जा रही है। यानी कीमत और मांग का कैसा संबंध होता है, उल्टा या ऋणात्मक। नेगेटिव संबंध को सूचित करता है मांग का नियम कि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। ये दोनों चर राशियां विपरीत दिशा में आचरण कर रही है यदि वहां मांग का नियम क्रियाशील हो रहा है। इसके लिए हमने रेखा चित्र जो बनाया है वो इसी तालिका के आधार पर बनाया गया है। OX अक्ष पर मांग मात्रा है, OY अक्ष पर हमने कीमत स्तर दर्शाया है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है हमारी मांग घटती जा रही है। DD जो मांग पत्र है इसका ढलान ऋणात्मक है, ये इस बात को सूचित करता है। तो मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी और किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे 2 से लेकर 4 बजे तक व्हाट्सएप मोबाइल पे कॉल करके कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। और नहीं तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो ये है कि मांग का अर्थ और मांग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए।